बरसों के से अटके इन दोनों प्रोजेक्ट को पूरा करने और देश को समर्पित करने का सौभाग्य हमारी सरकार को ही मिला है। भाइयों और बहनों, असम और नॉर्थ ईस्ट के जीवन को आसान करने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसी सोच के साथ ब्रह्मपुत्र पर नए पुलों का निर्माण करने का काम सरकार कर रही है। दूर दराज के क्षेत्रों को शहरों की बेहतर सुविधाओं से जोड़ा जाए, इसके लिए कोशिश की जा रही है। हाईवे हो, रेलवे हो, एयरवे हो, वाटरवे हो या फिर आईवे हो, हर स्तर पर कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है। बीते 4.5 वर्ष के दौरान असम में 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से करीब 700 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। इसके अलावा लगभग 5,500 करोड़ रुपए की लागत से 400 किलोमीटर से अधिक की सड़कों पर तेजी से काम चल रहा है। साथियों, यहां बराक वैली में भी नेशनल हाईवे, पुलों और गांवों की कनेक्टिविटी के अनेक प्रोजेक्ट बीते 4.5 वर्षों में पूरे हो चुके हैं और अनेक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। अटल जी ने बराक वैली को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से जोड़ने के लिए जिस 4 लेन हाईवे का सपना देखा था, वो भी जल्द ही तैयार होने वाला है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बराक वैली में 125 से ज्यादा पुलों समेत 1000 किलोमीटर से अधिक की ग्रामीण सड़कों को स्वीकृति दे दी गई है। मुझे खुशी है कि केंद्र सरकार के कनेक्टिविटी के प्रयासों को असम की सरकार और मजबूती दे रही है। साथियों, सड़क के अलावा रेलवे की कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने के लिए भी तेज गति से काम किया जा रहा है। आज नॉर्थ ईस्ट की करीब करीब सभी रेल लाइनों का चौड़ीकरण पूरा हो चुका है। लमडिंग सिलचर की रेल लाइन भी इसमें से एक है। इसके बाद रेल मंत्रालय ने बराक वैली में नई पैसेंजर ट्रेनें शुरू की है। भाइयों और बहनों, असम की देश और दुनिया से एयर कनेक्टिविटी और मजबूत हो, इसके लिए भी कोशिश जारी है। गुवाहाटी एयरपोर्ट में 1200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से नई इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट के रनवे को विस्तार देने की प्रक्रिया भी चल रही है। इससे डिब्रूगढ़ में बड़े हवाई जहाज आसानी से उतर पाएंगे। इसके अलावा करोड़ों रुपयों की लागत से असम में नदी मार्गों को निर्माण करने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। वहीं असम की बिजली व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए करीब 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान केंद्र सरकार ने किया है। भाइयों और बहनों, हमारा विजन एक्ट ईस्ट और एक्ट फास्ट ऑन ईस्ट का है। यहां से पूर्वी और दक्षिण एशिया तक हमारे व्यापार और कारोबार को शक्ति मिले, जनसंपर्क के नए रास्ते खुले, इस दिशा में हम तेजी के साथ काम कर रहे हैं। भारत म्यांमार थाईलैंड हाईवे हो, अगरतला अखौरा रेल लाइन हो, पारो सिंगापुर वाया गुवाहाटी फ्लाइट हो, गुवाहाटी में खुले भूटान और बांग्लादेश के कंसुलेट हो, ऐसे अनेक प्रयास चल रहे हैं। साथियों, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के तमाम प्रोजेक्ट असम के जनजीवन को आसान तो बनाएंगे ही, आने वाले समय में
यहाँ नए नए उद्योग धंधे लगेंगे, टूरिज्म सेक्टर का विस्तार होगा जिसे युवा साथियों को रोजगार के अनेक अवसर मिलेंगे। टूरिज्म के लिए असम में भरपूर संभावनाएं हैं। यहाँ कांजीरंगा अभयारण्य भी है तो कामाख्या शक्तिपीठ भी यही है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन और प्रसाद स्कीम के तहत असम में सुविधाओं का निर्माण करने के लिए 225 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। यहाँ के युवाओं को टूरिज्म से जुड़ी, होटल और दूसरी सेवाओं से जुड़ी बेहतर ट्रेनिंग मिले, इसके लिए भी अनेक प्रयास किए गए हैं। गुवाहाटी और जोरहाट के होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपयों का आवंटन किया गया है। नौगांव के फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के लिए भी वित्तीय मदद में बढ़ोतरी की गई है। भाइयों और बहनों, केंद्र और राज्य सरकार असम और देश में विकास की पंचधारा, बच्चों को पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई, ये सुनिश्चित करने में जुटी है। चाय के बागानों में काम करने वाले लाखों बहन भाइयों समेत करीब 1.5 करोड़ असमिया लोगों की पहली बार बैंकों में खाते खुलवाए गए हैं। करीब 50 लाख मुद्रा लोन असम के युवा साथियों को अपने उद्यम लगाने के लिए बैंकों से दिलवाए गए। असम के करीब 25 लाख लोग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा योजना से जुड़े हैं। 2.5 लाख से अधिक असम के कामगार बहन भाई अटल पेंशन योजना से जुड़े हैं। साथियों, असम की 24 लाख गरीब बहनों को मुफ्त गैस के कनेक्शन असम गरीब बहनों को दिए जा चुके हैं, जिसका परिणाम है कि असम में 4.5 वर्ष से पहले तक जहां करीब 40% घरों में गैस सिलेंडर था, वहीं आज ये दायरा 2 गुना करीब 80% हो चुका है। इसी प्रकार असम के हर गरीब बेघर परिवार को, मध्यम वर्ग के परिवार को अपना घर देने का प्रयास किया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत असम के लाखों गरीब परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हुआ है। साथियों, आज जनहित के ये जो भी काम हो पा रहे हैं वो तभी संभव हो पा रहे हैं जब सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाई है, ईमानदारी की व्यवस्था खड़ी की जा रही है, बिचौलियों को व्यवस्था से हटाया जा रहा है। कांग्रेस की सरकार ने दलालों को हर सौदे, हर कारोबार यानी व्यवस्था का हिस्सा बना दिया था। और भाइयों बहनों, पिछले दिनों विदेश से एक राजदार को पकड़ के लाए हैं। हेलीकॉप्टर के मसले में, दलाली के मसले में रुपये किसको दिए, कितने दिए, कैसे दिए, इतना बड़ा खजाना देश का लूट करके किसने पहुंचाया, एक एक चीज बारीकी से निकल रही है। और आपने देखा होगा जेल में तो वो राजदार है, पूछताछ राजदार की हो रही है, लेकिन जैसे उस राजदार को पकड़ के ले आए, कांग्रेस का वकील उसको बचाने के लिए पहुंच गया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इजाजत दी थी कि वकील को मिलने दिया जाए, तो मिलने का समय वीडियोग्राफी होती थी, पुलिस के जवान बैठे रहते थे, तो उन्होंने चोरी छुपी से एक चिट्ठी की लेन देन की वकील ने और ये राजदार ने। आपको मालूम होगा बोफोर्स के मसले में एक कांग्रेस के विदेश मंत्री थे माधव सिंह सोलंकी,
वो यहां से एक चिट्ठी लेके गए थे और वो बहुत बाहर आई तो उनकी नौकरी चली गई थी, मंत्री पद उनका चला गया था। ये दूसरा चिट्ठी का कारोबार हाथ लगा है, ये राजदार और वकील के बीच में चिट्ठी का लेन देन हो रहा था। भाइयों बहनों, जब से राजदार आया है, आपने नामदार का चेहरा देखा होगा, आंखें फटी फटी रहती है, चेहरा उदास रहता है, नींद गायब हो गई है, दिन गिन रहे दिन। ये कुछ बोल देगा तो, कुछ बात खुल जाएगी तो पता नहीं क्या होगा, और इसलिए बौखलाते चले जा रहे हैं, बौखलाते चले जा रहे हैं, और पता नहीं अनाप शनाप भाषा पर उतर आए हैं। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।